क्रिकेटर्स अपने खेल के साथ साथ लुक्स पर भी काफी ध्यान देते हैं, चाहे अनोखे टैटूज हो या एक कूल हेयर कट। इन चीजों पर दुनिया भर के क्रिकेटर्स का काफी फोकस रहता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यही चीजें उन्हें फैंस के बीच बहुत पॉपुलर भी बनाती हैं। क्रिकेटर्स अपने लुक्स पर सिर्फ इसलिए ध्यान नहीं देते ताकि वो फैंस के बीच छाए रहें, बल्कि उनके गुड लुक्स उन्हें मैदान के बाहर भी बहुत सारे बिजनेस दिलाते हैं। जैसे आपने विराट कोहली और एम एस धोनी जैसे क्रिकेटरों को कई महंगे ऐड करते हुए देखा होगा। तो इससे एक बात तो साफ है, जितना क्रिकेटर्स की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस मायने रखती है, उतने ही उनके गुड लुक्स भी मायने रखते हैं। अच्छा दिखने के लिए अच्छे हेयर कट का होना जरूरी है, लेकिन कई क्रिकेटर ऐसे भी हैं जिनके अच्छे घने बाल नहीं हैं, और इसी वजह से कई क्रिकेटर हेयर ट्रांसप्लांट का भी सहारा लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन 5 भारतीय क्रिकेटरों से मिलवाएंगे जिन्होंने बालों की समस्या की वजह से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, और इसके बारे में शायद ही किसी को पता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले भारतीय क्रिकेटरों की लिस्ट में पहला नाम पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग का है। यंग एज से ही सहवाग के बाल झड़ने लगे, और जब उनका करियर पीक पर पहुंचा तब तक उनके काफी बाल झड़ चुके थे। सहवाग को आपने अक्सर रुमाल बांध कर या टोपी पहनकर मैदान पर खेलते हुए देखा होगा। ऐसे में वीरू ने हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लिया और अपने बाल वापस पा लिए, और बाद में वे कई बड़ी कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर भी बने। दूसरा नाम है बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का। गौती भी एक समय पर तेजी से अपने बाल खोने लगे, इसे देखते हुए उन्होंने हेयर ग्राफ्ट प्रक्रिया करवाई, जिसका परिणाम आप हाल ही में आई तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। लिस्ट में तीसरा नाम पूर्व भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज और करंट एमपी यूसुफ पठान का है। यूसुफ पठान ने मशहूर हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनोज खन्ना से अपने बालों को ग्रूम कराया। आप यूसुफ की पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर में साफ अंतर देख सकते हैं। लिस्ट में चौथे नंबर पर टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद समी का नाम है। समी ने डॉक्टरेट हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेते हुए अपने बालों को ग्रूम करवाया। इस ट्रांसप्लांट में सिर के एक हिस्से से बाल निकाल कर सर्जरी के जरिए उस हिस्से पर लगा दिए जाते हैं जहां पर बाल पहले से कम होते हैं। इस लिस्ट में आखिरी नाम भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का है। हालांकि हिटमैन ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है या नहीं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हालिया तस्वीरों में साफ तौर पर फर्क देखा जा सकता है कि रोहित का हेयर स्टाइल कितना बदला हुआ नजर आ रहा है। इन 5 पॉपुलर भारतीय क्रिकेटरों के अलावा कई और भी ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं। अगर आप उनका नाम जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।